हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बादब, बामुलायदा होशियार, बर सल्तनते सर्कस में बादशाहों के बादशाह अकबर के बेटे सलीम पधार चुके हैं। अच्छा है क्या? हम यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे आने का ऐलान करेंगे, एक अच्छा सा इंट्रो देंगे, हम स्टाइलिश वॉक करके यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर खुद का इंट्रो दे रहे हैं। हमारा इंट्रो कहाँ है? एक काम करिए, आप वापस जाइए, फिर से देती हूँ। बेटर। वाह मुलायदा होशियार, वाह यहाँ से आ रहा है अकबर। वाह दादा, वाह 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 वाह। खुद का इंट्रो इतना लंबा, हाँ हमारा इंट्रो इतना सा। खुद का जैसा इंट्रो दिया ना, वैसा इंट्रो दीजिए हमें। अब हुजूर ऐसे लंबा में रिपीटेटिव फील होता है। रिपीटेटिव? अगर हम रिपीटेटिव की चिंता करने लगते ना तो आप दुनिया में ही नहीं आते, क्योंकि आपके जैसी 15 औलादे हम पहले ही रिपीटेटिवली पैदा कर चुके हैं। रिपीटेटिव। या आइए आप, हमें मेहमानों से मिलने दीजिए। वाह 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 महाराज, आपके सलीम साहब की पगड़ी नाक पे आ गई नाच के, ये क्या कर। बहरहाल आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। शहजादे, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि जो जो आशिक अपनी बाशुका के लिए चांद सितारे तोड़ने जा रहे हैं वो ना जाएं, क्योंकि सारे सितारे यहाँ पर आ गए हैं। वाह वाह क्या बात है। यकीनन अब्बा हुजूर, आज जो है नासा वाले भी आसमान में टेलीस्कोप लगा के नहीं देखेंगे। हाँ आज वो लोग प्रोजेक्टर लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि सारे सितारे यहीं पे मौजूद हैं। अब्बा एक ही तारीफ को अगर दूसरी बार किया जाए ना तो उसे चापलूसी कहते हैं। अब्बा हुजूर, जो आपने पहली बार किया था वही चापलूसी लग रही है। चापलूसी, मुआफी और गिड़गिड़ाना, ये हमारी रियासत के 3 स्तंभ हैं। हमने आपका ट्रेलर देखा, जैसे कि आप तार कोई पकड़ता है और लेकिन एहसास किसी और को होता है, सेम कनेक्शन हमारा भी है। अच्छा। हाँ हाँ, पैदा ये हुए और पूरी रियासत से मुआफी हमें मांगनी पड़ी। राजेश जी 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 जी, हमने देखा है आप रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में काफी फन लेकर आते हैं। ये हमारी औलाद है, इन्हें आप 10 दीजिए, हम आपको 20 देंगे। स्नेक काम में देरी किस बात की। आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, वरुण जी, आपको पता है क्या, हमारी जब दरबार की शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब हम शटर अप करते हैं, सबसे पहले हमें आपकी याद आती है। क्यों? क्योंकि अपने दरबार में हम नए जूते पहन कर आते हैं और हमारे जूते करते हैं च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा। लेकिन आज हम यहाँ पर अपने पुराने जूते पहन कर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम चूचा चूचा करें, फिर आप भी चूचा चूचा करें और बहुत ज्यादा चूचा 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 हो जाए। अब्बा हुजूर, ये क्या चूचा 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 कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं, उनको यही लगेगा ना कि बेटा इतना हैंडसम है, अब्बा इतना छिछोरा है। पीछे देखिए कौन है। पीछे कौन है अब्बा? कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि सब आगे निकल गए हैं। लेकिन आपने ये तो सही कहा, हीरोइनें आई तो हैं। जैकलीन जी, पूजा जी, आप लोग अगर चाहें तो हमारी रियासत की रानी आप बन सकती है। अब्बा हुजूर, रियासत में किलो के हिसाब से बहुत सारी रानियां पहले से ही मौजूद हैं। किलो। ये हमारे साहबजादे हैं, इन्हें जरा गौर से देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि हमारी रानियां कैसी होंगी। अब्बा हुजूर, खूबसूरत रानी होने के लिए शर्त यह है कि राजा भी रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। और ये एक हमारे राजा हैं, ये शेरवानी पहनी, माला पहनी, फिर भी ऐसे राजा लग रहे हैं। इनको एक बार एक लड़की ने लुंगी में देख लिया, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़की को जब होश आएगा तो वो बताएगी कि क्या देखा है उसने। ये आपके दो हाथ दिखाइए, देखिए, ये गालों पर ऐसे रखिए, थोड़ी देर रखा रह सकते हैं? हाँ, ठंडा लग रहा है क्योंकि कब हमारा हाथ आप पे उठ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। सॉरी अब्बा हुजूर, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हम आपको कर दें, लेकिन हमारे लिए चार शब्द कहिए तारीफ के हमारे मेहमानों से। ये है हमारे बादशाह अकबर, हमारे जहां बना, राजाओं के राजा, अकड़ से भरपूर, गुस्से की सीमा नहीं, दुश्मनों को सलाद की तरह काटने वाले, जिनको देख के दुश्मन थर थर कांपते हैं, जिद्दी इतने के बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। कहाँ लाके पटक दिया। ये बात बतानी जरूरी थी। इन्हें ये बताइए कि हम निडर कितने हैं। रोहित जी, ये इतने निडर है, इन्होंने मम्मी फिल्म बिना मम्मी पापा के 4 बार देखी है। 4 बार देखी है बिना पतलून गीली किए। क्या बोले जा रहे हैं, जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर बैठी हैं, आप उनके सामने ये सब मत बोला कीजिए। देखिए अब्बा हुजूर, जैकलीन जी यहाँ बैठी है तो हम खामखा आपसे बातें कर रहे हैं। जैकलीन जी, आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, इल्तिमास है, क्या 15 मिनट में आप पे लाइन मार सकता हूँ? गुस्ताख! आपके वालिद, आपके अब्बा हुजूर यहाँ पर खड़े हैं और आप ऐसी अहमकाना हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। बेटर बेटर, आई एम सॉरी। पूजा जी, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी हमारे साथ। अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आ रही? औलाद सामने खड़ी है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप। तो ठीक है, आज के बाद आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। डन अब्बा हुजूर, डन है। ठीक है अकबर बनता है। और क्या बोलते, आइटम क्या बोल रही? बनता है। ओ, रुक जाइए रुक जाइए, ये तो लगता है हमारे दरबार का वक्त हो गया है। अमूमन दरबार हम अपने महल में लगाते हैं, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर ज़हीन लोग मौजूद हैं, हम अपना दरबार यहीं लगा लें। ठीक है, तो फरियाद सुनाइए। कोई फरियाद? अरे आपका क्या है? गाना नहीं सुनना है आपका, फरियादी को बुलाइए, वो फरियाद सुनाएगा। ए फरियादी को आने दे। इट्स माई वे और स्काई वे, और तुम्हें देख के लग रहा है सबका खाना तुम ही खाई बे। ये भैंस चुराने की सजा तो हम काट चुके हैं, फिर पुलिस क्यों आई है? पुलिस नहीं हूं मैं कलाकार हूं, फरियादी हूं मैं, फरियादी हूं। अरे यार, ओ सिंघम भाई, ओ क्या बात है यार, अब बात क्या बात दादा। अरे आप कलाकार हैं ये पहले बता देते ना, खामखा हमारे अब्बा को भी पैंट गीली हो जाती। अरे पैंट गीली हो जाती तो धो देता मैं अभी के अभी, निचोड़ देता मैं अभी के अभी, सुखा देता मैं अभी के अभी। जयकांत शिकरे, हम जयकांत शिकरे नहीं, हम बादशाह अकबर हैं। हाँ तो अकबर शिकरे, अकबर शिकरे। रोहित जी, ओह गॉड, आपने मेरी सिंघम के बात पे सिम्मा बनाई, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने सूर्यवंशी बनाई अक्षय के साथ पे, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आज मेरी मेरी गोलमाल की टीम को लेके आपने सर्कस बना दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। और हवलदार खेलकर तुमने सही नहीं किया मेरे साथ खेलकर। क्या बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा। सपना। अरे सिंघम भाई, सपना यहाँ पे नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है। इन्होंने मेरी सपना को भी नहीं लिया, हमें तो अपनों ने लूटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमें तो अपनों ने लूटा, खेड़ों में कहा दम था, आपने मुझे अपनी मूवी में नहीं लिया। क्या मेरी गोलमाल में ह्यूमर कम था? रुकिए आप जरा अपनी फरियाद बताइए हमें अभी के अभी। फरियाद तो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। क्या बात है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अपना अपना करो, अपना अपना करते हैं। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बादशाह अकबर खड़े हैं? तो बैठ जाना भाई। सुनो, इसके ऊपर मत बैठना, कैपेसिटी नहीं है बेचारा। अब हुजूर आपसे 1000 बार कहा है, जब कोई अक्षय कुमार की मिमिक्री करे तो बीच में मत बोलिए आप। चल अपने बाप को मत सिखा जा। बादशाह टाइप दिखने वाले आदमी, मैं आपके लिए एक फरियाद लेकर आया हूँ। सुनाइए। साल में 8-8 मूवी भी तू लेकर आए, और आज फरियाद भी तू ही लेकर आएगा? नहीं, गलत है ये, गलत है रोहित। सुनिए, हेलो, गलत कुछ नहीं है, ज्यादा बेकार तो मेरे साथ हुआ है। ओहो। मैं रोहित जी को कॉल करता था, मैंने कहा मिल लो, प्लानिंग कर लेते हैं अगली फिल्म की। तो बोलते हैं कि मैं 12 बजे फ्री होके 1 बजे मिलूंगा रात को, जबकि इनको पता है कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। ये क्या बात है, क्या बात है रोहित साहब। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये चीटिंग की है, मैं सच बता रहा हूँ, चीटिंग की है। बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुन के। लग रहा है जरूर आप दोनों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फूट डाल रहा है आप दोनों के बीच। फूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, बर्दाश्त चाहिए। भाई साहब, हेलो, तो आप चिल्लाते रहते हो, चिल्लाओ थोड़ा कम, आसपास में शूट चल रहा है। शूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, शूट बर्दाश्त चाहिए। सिंघम साहब, थोड़ा गुस्सा थूक दीजिए। थूक बर्दाश्त चाहिए मुझे। क्या थूक बर्दाश्त चाहिए? थोड़ा पानी पी लो भाई, एक आध घूट पानी पी लो। बर्दाश्त चाहिए मुझे, घूट बर्दाश्त चाहिए। लगता है ये आदमी रुकने नहीं वाला है। हमें निकलना चाहिए, आप ऊंट निकालिए हमारा। घूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, घूट बर्दाश्त चाहिए। हम समझ गए, आपको बर्दाश्त नहीं, आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अरे आप रुक जाइए, पीछे क्या चाहिए? दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि जो सिंघम साहब हैं उनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, ना शूट बर्दाश्त है, ना घूंट बर्दाश्त है, ना थूक बर्दाश्त है, ना ऊंट बर्दाश्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं। बर्दाश्त चाहिए मुझे, मजाक बर्दाश्त चाहिए मुझे, शूट बर्दाश्त चाहिए। पूजा छेड़ रहा है तू। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, बर्दाश्त नहीं है मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.